हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का आठवां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे प्रकाश का परिक्षेपण और जानेंगे सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परिक्षेपण का अर्थ होता है श्वेत प्रकाश का अपने रंग घटकों में विभाजन होना, यानी जब भी श्वेत प्रकाश किसी सघन माध्यम से गुजरता है तो वह अपने रंग घटकों यानी जिनसे मिलकर वह बना है उनमें वो बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंग घटकों में बढ़ जाता है और ये रंग प्रिज्म की दूसरे सतह से निर्गत होते दिखाई देते हैं। दोस्तों, इन 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर यह परिक्षेपण होता क्यों है। तो इसका कारण है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश अलग अलग कोण पर विचलित होता है, यानी कि किसी एक माध्यम में अलग अलग आवृत्ति या यूं कहें कि अलग अलग रंगों के प्रकाश अलग अलग कोणों पर विचलित होता है। अगर आप यहाँ देखें तो आप पाएंगे कि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है जबकि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे दिखाई देता है बैंगनी रंग और सबसे ऊपर दिखाई देता है लाल रंग। दोस्तों, प्रकाश की इस परिघटना का सबसे पहले अवलोकन किया था सर आइजैक न्यूटन ने, जब वो दूसरे तारों तथा ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रिज्म से निकलने वाले रंगों के आगे एक और प्रिज्म लगाया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि प्रकाश किरणों में इन रंगों के अलावा और भी रंग हो सकते हैं जो शायद प्रिज्म की क्षमता की वजह से पृथक नहीं हुए हैं। लेकिन उन्हें फिर से वही 7 रंग मिले जो पहले थे, यानी इस प्रयोग से ये तो साफ हो गया कि प्रकाश इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके देखा तो उन्होंने पाया कि ये 7 रंग फिर से मिलकर श्वेत प्रकाश ही निर्गत करते हैं, जो उनके इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए काफी था कि श्वेत प्रकाश केवल 7 रंगों के घटकों से मिलकर ही बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय, सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं की ओर, और समझते हैं पहली परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे किसी तारे की स्पष्ट स्थिति को। दोस्तों, हम रात में चमकने वाले तारों को जिस स्थिति पर देखते हैं वो उनकी वास्तविक स्थिति नहीं होती है। वास्तव में हमें उनका एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है जो उनकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर की ओर होता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही तारे से आने वाला प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे गमन करना पड़ता है लगातार बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से, जिसकी वजह से तारे से आने वाला प्रकाश लगातार अभिलंब की ओर झुकता रहता है। और जब ये प्रकाश हम तक पहुंचता है तो हमें लगता है कि प्रकाश सीधा गमन करता है, जिसकी वजह से आने वाले प्रकाश की ही सीध में हम मान लेते हैं कि तारे की वास्तविक स्थिति होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि ये तारे टिमटिमाते हैं, मतलब कभी इनकी चमक होती है बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम, और इसके पीछे भी समान कारण ही होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है जिसकी वजह से तारे की चमक भी लगातार बदलती रहती है और हमें लगता है कि ये तारे टिमटिमा रहे हों।
इसके अलावा वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें सूर्योदय जल्दी तथा सूर्यास्त देर से दिखाई देता है। आइए समझते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों, सूर्योदय का अर्थ होता है कि जब सूर्य क्षितिज से ऊपर हो, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें किसी तारे का एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है जो तारे की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर होता है। ठीक इसी तरह जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, फिर भी इसका एक आभासी प्रतिबिंब क्षितिज से ऊपर की ओर दिखना शुरू हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर आ चुका है और हो चुका है सूर्योदय। अब ठीक इसी तरह सूर्यास्त के समय पर जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है, फिर भी हमें उसकी स्थिति क्षितिज से ऊपर की ओर दिखाई देती है, जिसकी वजह से वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त में देरी हो जाती है। आइए अब समझते हैं सूर्य प्रकाश के ही एक और परिघटना, सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन को। दोस्तों, इस परिघटना के अनुसार जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसके प्रवेश करने के बाद वायुमंडल में मौजूद कणों से यह टकराता है और सूर्य प्रकाश में उपस्थित कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराने के कारण इधर उधर फैल जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है नीले रंग की, इसलिए सबसे ज्यादा नीला रंग ही फैल जाता है, जबकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला लाल रंग सबसे कम फैलता है। दोस्तों, इस परिघटना को हम अपने रोजाना जिंदगी में देखते भी हैं, और वो है आसमान का नीला दिखाई देना। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसके अलावा आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तो देखा ही होगा। इस समय पर सूर्य कुछ ज्यादा ही लाल नहीं दिखाई देता, जबकि पूरे दिन में सूर्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, सूर्य का इन अलग अलग रंगों में दिखाई देना भी होता है सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण। कैसे, आइए समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य होता है क्षितिज के सबसे पास, और इस स्थिति में सूर्य प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा गमन करना पड़ता है, जिसकी वजह से सूर्य प्रकाश के काफी सारे रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होने के कारण सिर्फ लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, और हमें लगता है कि जैसे सूर्य ही लाल रंग का हो गया हो। वहीं दोपहर के समय सूर्य होता है ठीक हमारे सर के ऊपर, और अब सूर्य प्रकाश को हम तक आने के लिए वायुमंडल में सबसे कम दूरी तक गमन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कम सूर्य प्रकाश ही प्रकीर्णित होता है और लगभग श्वेत प्रकाश ही हम तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सूर्य भी कुछ श्वेत ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो में समझाए गए विषय समझ आए होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश के परिक्षेपण को, यानी कि श्वेत प्रकाश का अपने सात रंगों में विभाजित होना। इसके बाद हमने समझा सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं को, जैसे कि वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश की ही एक और परिघटना, कुल आंतरिक परावर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय।